हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इसके पहले मैंने फॉस्फीन गैस के बारे में आप लोगों को बताया था कि फॉस्फीन बनाने की विधि, जिस पे मैंने आपको प्रयोगशाला विधि बताई थी, और फॉस्फीन बनाने की विधि शायद आप लोगों को याद ही हो गई हो। लेकिन मैं कुछ फॉस्फीन गैस को बनाने की ऐसी विधि है जिनमें कुछ त्रुटियाँ हैं, मतलब बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जिसको बच्चे याद नहीं करते हैं और वही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो मैं उसी को लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, फॉस्फीन बनाने की विधि में कभी कभी पूछ लेता है कि अच्छा बच्चों, आप लोग ये बताओ कि उस फ्लास्क के अंदर अक्रिय वातावरण क्यों उत्पन्न करते हैं। कोई बता सकता है? कोई अगर बता सकता है तो कमेंट करके बताए कि फ्लास्क के अंदर अक्रिय वातावरण क्यों उत्पन्न करते हैं। मैं बताता हूँ, फ्लास्क के अंदर अक्रिय वातावरण बच्चों इसलिए उत्पन्न करते हैं ताकि फ्लास्क में आग ना लग जाए। पहली चीज ये पूछ लेता है, क्योंकि फॉस्फीन एक ज्वलनशील और विषैली गैस है, वो मतलब वायुमंडल के संपर्क में आएगी तो छल्ले के रूप में बाहर निकलने लगेगी या तो जल जाएगी तुरंत, तो आग लग जाएगी। तो इसीलिए बच्चों फ्लास्क में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करते हैं ताकि फ्लास्क में आग ना लग जाए और रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण भी नहीं होगी। तो फॉस्फीन गैस बच्चों एक रंगहीन और सड़ी मछली जैसी गंध वाली विषैली गैस है। जैसे सड़ी मछली होती है ना, उसकी गंध आती है, उसी तरह फॉस्फीन गैस है। तथा सूंघने पर, फॉस्फीन गैस को सूंघने पर सिर में दर्द उत्पन्न होने लगता है। यह वायु से भारी होती है बच्चों, ये आप एक बात और समझिए कि फॉस्फीन गैस वायु से भारी होती है। ये वायुमंडल के निचली सतह पर रहती है, मतलब पृथ्वी पे रहती है नीचे, क्योंकि भारी चीज़ नीचे रहेगी, हल्की चीज़ ऊपर जाएगी। तो फॉस्फीन भारी है, तो फॉस्फीन पृथ्वी पर रहेगी सबसे नीचे। और यह जल में अविलेय है बच्चों, ये जल में विलेय नहीं है, ये जल में अविलेय है, अब बच्चों फॉस्फीन का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ करते हैं। धातुओं के फॉस्फाइड बनाने में, केवल फॉस्फाइड धुएं के पर्दे बनाने के काम आता है। समुद्री यातायात में होमो सिग्नल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि समुद्री यातायात में होमो सिग्नल को किस गैस का प्रयोग किया जाता है, फॉस्फीन गैस का। तो चलिए बच्चों हो गया, और इसी बात मैं समाप्त करता हूँ। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और प्लीज़ बच्चों मुझको कमेंट करके बताएं कि आपको किस विषय में वीडियो चाहिए। थैंक यू बच्चों।